एक तो मैं खुद भिखारी, ऊपर से मेरा दोस्त भी भिखारी। साला 3 महीने पहले 500 रुपए उसने लिए थे, आज तक नहीं लौटाया। अब गोलगप्पे खरीदने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। अगर मैंने इसको 500 रुपए आज वापस दे दिए तो फिर मैं जुआ किस चीज से खेलूंगा। और यहाँ पे आप मेल फीमेल कुछ भी चूज कर सकते। अब देखिए इसका फेस चेंज करते हैं हम लोग। दोस्तों यूट्यूब पर आपने कार्टून वीडियोस तो काफी सारी देखी होंगी, कुछ इस टाइप या फिर कुछ इस टाइप की। अब आपका भी तो मन करता होगा कि एक YouTube चैनल बनाए, कुछ ऐसी कार्टून वीडियोस हम लोग भी बनाना सीखे। अगर हम करें तो करें क्या? नहीं, तभी आपके मन में ये भी आता होगा कि ये एनिमेशन सीखने के लिए कोई महंगा कोर्स खरीदना पड़ेगा या कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे किसी को। मतलब सीखने में तो महीनों निकल जाएंगे और इसको बनाने में घंटों। चलिए इसका भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 10 से 15 मिनट के अंदर आप ऐसी वीडियोस बना सकते हो, कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 क्लिक्स करने पड़ेंगे। मैं लाइव आपको बनाकर दिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वाटरमार्क भी नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात यह है आपको क्लीन वीडियो एनिमेशन वाली मैं 10 से 15 मिनट के अंदर बनाना सिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। बिना कोई कोर्स खरीदे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए या कोई सॉफ्टवेयर को सीखे, आप आसानी से अपने फोन और इंटरनेट का यूज करके ऐसी एनिमेशन वीडियो, 2D एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो या अनएम्प्लॉयड इंसान हो, आप घर से ये काम कर सकते हो अपने मोबाइल फोन का यूज करके 10 से 15 मिनट के अंदर। 2023 में आपको कार्टून वीडियो चैनल बिजनेस करना है यूट्यूब पे घर बैठे बैठे अपने फोन का यूज करके, तो इससे बेटर ट्यूटोरियल आपको नहीं मिलेगा। स्किप बिना किए देख लो, मेरा प्रॉमिस है इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप घर बैठे बना सकते हो। सारा स्टेप जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना। देखो कार्टून वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है कि बैकग्राउंड डिजाइन, दूसरा पॉइंट होता है कि कैरेक्टर डिजाइन एंड मूवमेंट, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टोरी टेलिंग। आपकी कहानी इतनी किलर होनी चाहिए कि लोग आपकी वीडियो पे आकर वीडियो को पूरी देखे, उस पे लाइक करें, कमेंट करें और उस वीडियो को शेयर करें, तभी वो वीडियो वायरल जा सकती है। नहीं तो आप देखते होंगे यूट्यूब पे इतने सारे लोग कोशिश करते कार्टून वीडियो बनाने की लेकिन फेल भी हो जाते, क्योंकि उनके कॉन्टेंट में, उनके कहानी में दम नहीं होता। कहानी जबरदस्त आपको बनानी पड़ेगी। ये स्किल आपको नहीं आती है तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी मेरे भाई। और ये सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर अभी के अभी सीखने वाले, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी सुन लो। ये पॉइंट मिस करके जाओगे तो शायद आपकी वीडियोस पर व्यूज ना आए। आप जब भी वीडियो अपलोड करते हो, कार्टून एनिमेशन वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हो खुद से, मतलब कि ऐसे कोई ऐप से बनाकर अगर आप करते हो, प्रोफेशनली किसी सॉफ्टवेयर से अगर आप नहीं बनाते हो, तो आप कैटेगरी चूज करने की गलती काफी टाइम करते हो। जब भी आप ऐसी कार्टून एनिमेशन वीडियो अपलोड करो तो आपके सामने कैटेगरी में ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। यहाँ से आपको फिल्म एंड एनिमेशन चूज नहीं करना है, आपको एंटरटेनमेंट चूज करना है। हमेशा एंटरटेनमेंट कैटेगरी चूज करो ऐसे कार्टून एनिमेशन वीडियोस के लिए जो आप मोबाइल फोन से यूज करके बनाते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी वीडियोस अपलोड करो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में अगर आप वीडियोस अपलोड करते हो तो बेस्ट टाइमिंग मैं बताता हूं आपको, शाम के 6 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक का टाइम आप पकड़ लो। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, टाइम में सबसे ज्यादा यूट्यूब यूजर्स एक्टिव रहते हैं। कोई अपना जॉब खत्म करके आता है, कोई खाना पीना नाश्ता वगैरह करके आता है, कोई टाइम पास करता है, गाना सुनता है कोई। ये टाइम में आप सोच के देखो, आप खुद भी इस टाइम में कितने ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो इस टाइम पे पोटेंशियल व्यूअर्स आपको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। और वीडियो की लेंथ मैक्सिमम आप 7 से 10 मिनट रखो, उससे ज्यादा नहीं। अब ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। कोई भी सवाल हो कमेंट से पूछो, या ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, या फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे प्लोटागॉन, ऐसा ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है, आप इसको पहले डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मेरा ऐप अब ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए पहले से मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी थी, लेकिन आपको मैं फ्रेश वीडियोस बना के दिखाऊंगा अभी लाइव आपके सामने। ये जो क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे काम कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार ऐप है, मुझे अभी तक का बेस्ट ऐप ये लगता है। यहाँ पे आपको ऊपर जो देखिए दो चीज़ें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है स्ट्रीट कॉर्नर, दूसरा लिखा हुआ है नो एक्टर। तो यानी कि पीछे का जो बैकग्राउंड है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रीट कॉर्नर सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा ऊपर वाले पे, और यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड चूज कर सकता हूँ।
ये देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ पेड बैकग्राउंड्स है, कुछ फ्री बैकग्राउंड्स है, मैं यहाँ पे फ्री के साथ जाना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप भी फ्री के साथ ही जाना चाहते हो तो ऊपर आपको बहुत सारे फ्री बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे मान लो जंगल का सीन है, मैं यहाँ फॉरेस्ट ग्लेड इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखो ये सीन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ अभी, तो मेरा बैकग्राउंड में जंगल का सीन आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक्टर्स चाहिए, यानी कि कैरेक्टर्स चाहिए, इंसान चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो एक्टर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ तो एक जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं या तो ये चूज़ कर सकते हो या अपना कैरेक्टर बना सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप मेल फीमेल कुछ भी चूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे मेल चूज़ करता हूँ। अब ये मेरा मेल आ चुका। अब देखिए इसका फेस चेंज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, देखिए इसका फेस चेंज हो जाएगा। ये देखो इसका फेस अब गोल जैसा हो गया। अब मैं इसका फेस कुछ और चेंज करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखो ऐसा कुछ फेस हो गया, मुझे ये फेस बेटर लग रहा है। अब स्किन का कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डार्क बनाना चाहता हूँ। ये देखो ये थोड़ा डार्क हो गया इस तरीके से, ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया, अंधेरे में दिखेगा नहीं बेचारा, तो ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, बालों का स्टाइल देखते हैं, हेयर स्टाइल कुछ चेंज करते हैं। अब ये वाला हेयर स्टाइल मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए अभी इसकी दाढ़ी मूछे अगर आपको लगानी है तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैं इसका इस टाइप का दाढ़ी यहाँ पे डालना चाहता हूँ, फ्रेंच कट। अब इसका फ्रेंच कट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आप चश्मा वगैरह भी डलवा सकते हो यहाँ पे। ये देखो ये कूल सनग्लासेस मैं इसको पहना देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये मस्त कूल बंदा बन चुका है, बिल्कुल अपना रणवीर सिंह। अब हम लोग यहाँ पे बैक करेंगे तो अब हमारा कैरेक्टर जो है वो रेडी हो रहा है यहाँ पे। अब ये देखो कैरेक्टर यहाँ पे रेडी हो चुका। अब अपने कैरेक्टर को आप नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने विलियम चूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीनेम कैरेक्टर करूंगा। आप कोई भी कार्टून स्टोरी बना रहे हो तो अपना कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो, मैं इसको राजू नाम डाल देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो अब मेरा राजू का कैरेक्टर रेडी हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी कैरेक्टर्स डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं राजू को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा राजू आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे राजू का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब ये देखिए राजू के बगल में आपको दिख रहा होगा इन द मिडल टू द लेफ्ट, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे लॉस्ट में कर देता हूँ तो ये मतलब जंगल में कहीं पे गुम हो चुका है, या फिर मैं यहाँ पे मिडल में कर देता हूँ, ये देखो मिडल में आ गया, या फिर मैं इसको स्टोन कर देता हूँ तो स्टोन के ऊपर बैठा हुआ यानी पत्थर के ऊपर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़े से बड़े साइज में दिखाने के लिए मिडल पे इसको रखता हूँ। ये अपना राजू जो है मिडल पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर अगर मुझे डालना है तो यहाँ पे मैं राजू वाले पे नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर यहाँ से चूज कर लेता हूँ, या फिर मैं बना भी सकता हूँ अपना कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समीर लिखा हुआ इसको चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दो बंदे आ गए, अब इसको क्या करता हूँ समीर को यहाँ पे फार टू द राइट कर देता हूँ, यानी कि समीर थोड़ी सी दूर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब नीचे देखो म्यूजिक का एक आइकन बना होगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हैप्पी म्यूजिक, सैड म्यूजिक, गेट मोर म्यूजिक, तो आप तीनों में से कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सैड म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी जंगल में ये लोग खो चुके हैं, ठीक है। अब देखो म्यूजिक के नीचे यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आपको डायलॉग्स देने इनके, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो नो एक्टर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं राजू सिलेक्ट करूंगा। अब देखो राजू सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसके डायलॉग्स लिखने जो मैं पढ़ के यहाँ पे आपके सामने अभी लाइव वॉइस ओवर करके दिखाऊंगा। और आप चाहो तो यहाँ पे इनका वॉइस भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी अपना वॉइस इन्होंने डाल के रखा है, आप सिर्फ यहाँ पे लिखो जो डायलॉग बोलवाना है और यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड होकर आ जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने राजू को एक डायलॉग यहाँ पे दिया हुआ है, अरे यार किस्मत ही खराब है जो इतनी रात को जंगल में घूमने निकले। अब देखिए इसका टोन आपको क्या रखना है, यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसका इमोशन सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ से आप ये देखिए यहाँ पे ये कैसे बोलेगा वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सल्किंग पे क्लिक करता हूँ, यानी कि बहुत ही मतलब सड़े हुए लैंग्वेज में बोल रहा है, बहुत ही परेशान है बेचारा और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बोल रहा है, वो मैं यहाँ पे चूज करूँगा। अब ये यहाँ पे वॉइस ओवर तैयार कर रहा है, आप चाहो तो अपनी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो ये डायलॉग बॉक्स पे मैं वापस से क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना एक्टर सेलेक्ट करूँगा, राजू मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी देखो ये जो है सीन को आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हो कुछ इस टाइप से, ये पिक्चर वाली जो इमेज है इसको आप आगे पीछे करोगे
तो ये व्यू चेंज हो जाएगा। मतलब जो मेन कैरेक्टर जो बोल रहा है वो कितना सामने रहेगा या कितना पीछे रहेगा वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इस वक्त राजू को सामने की तरफ रखना चाहूँगा, तो मैं डन कर दूंगा इस पर। और यहाँ पे मैं अपना डायलॉग वापस से लिख रहा हूँ कि अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है जो रात को टहलने निकले और यहाँ पे जंगल में हम लोग गुम हो गए। या फिर मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इस तरीके से माइक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूँ। ये जो आपको बीच में रेड कलर का आइकन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके आपको अपना वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। अरे यार हमारी तो किस्मत ही खराब है जो रात को टहलने निकले और गुम हो गए जंगल में। अब देखो मैंने अपना वॉइस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं हरे रंग का जो टिक आइकन है उस पर क्लिक करूंगा। अब इसको एक बार सुन के देखते हैं। तो चलो ये हो चुका है। अब मैं दूसरा एक्टर जो है उसका वॉइस ओवर करने वाला हूँ। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऊपर जो ये आइकन बना हुआ है ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे राजू की जगह दूसरा एक्टर जो है उसका वॉइस ओवर करने वाला हूँ। तो ये देखो अब समीर का वॉइस ओवर हम लोग करते हैं। अब समीर की आवाज़ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे सिंपल वॉइस ओवर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर पे क्लिक करता हूँ और सेम तरीके से मैं इसका भी वॉइस ओवर कर लेता हूँ। अरे क्या यार तू तो बिल्कुल पनौती है पनौती। जब भी तेरे साथ घूमने निकलता हूँ कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है मेरे साथ। अरे तू हट जा मेरे नज़र के सामने से। तो ये देखो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब ये हरे रंग के बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको सुनकर देखते हैं। तो चलो ये भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह भी डाल सकते हो। ये टेक्स्ट का आइकन दिख रहा होगा, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पे म्यूजिक चेंज कर सकते हो, बहुत सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हो। और ऊपर जो बटन है इस पर क्लिक करके आप वीडियो को सेव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट विद सबटाइटल करना है या एक्सपोर्ट विदाउट सबटाइटल्स करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट सबटाइटल पे क्लिक करूंगा और मेरी वीडियो जो है अभी मेरे फोन पर सेव हो जाएगी। मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। अब ये देखो मेरी स्टोरी जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। अरे क्या यार तू तो बिल्कुल पनौती है पनौती। जब भी तेरे साथ घूमने निकलता हूँ कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है मेरे साथ। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पे रिकॉर्ड होके हमारे फोन पे सेव हो चुकी है। अब आपको ऊपर एक वाटरमार्क दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा सा। अब अपने एडिटर पे कहीं पे जाके इसको कट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब ये देखो मैंने वीटा एडिटर ओपन किया है, इस पे इस फाइल को मैंने ले आया हुआ है। अब इसको मैं साइज एडजस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्केल पे क्लिक करूंगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इस तरीके से। ये देखो अब ये कट कर ऐसा कुछ बन गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब ये हमारा पूरा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिटिंग भी कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो, जैसे कि पैसा, जुगनू, चांद, सूरज, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। चिड़िया यहाँ पे डाल सकते हो, बर्ड्स डाल सकते हो। आप एडिटिंग आराम से इसकी कर सकते हो और वॉइस ओवर डाल सकते हो। कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक कुछ भी नहीं आएगा। डेली आपको वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी यूट्यूब पे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कहानी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस ओवर अच्छी होनी चाहिए, बस इन दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और जब भी यूट्यूब पे अपलोड करो तो कैटेगरी में एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करना है। क्या करना है? एंटरटेनमेंट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगी ना तो एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि ऐसे ही फॉरवर्ड वीडियो में जब भी फ्यूचर में बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके चैनल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दोबारा मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए टाटा।